हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण सीताराम सबको। तो अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ खेत में। खेत में आज काम है, काम तो हर रोज़ होता है पर आज तो पानी लगाना है। तो अभी मैं मोटर चालू करके जा रही हूँ खेत में और हमारे पानी लगाने वाले साहब आगे चले गए हैं और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो इन सबको खाना दे दिया है, पानी भी पिला दिया है, तो आराम से बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं। तो हमारे गेहूँ भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो वहाँ पे बीच में खड़ा रहना पड़ता है पानी लगाते हैं। तो मैं बीच में खड़ी रहूँगी और पानी लगाने वाले पानी लगाएंगे। तो भी मैंने मोटर शुरू कर दी है। हर तो बहुत ज़्यादा पवन होता है, हवा चलती है, इसलिए हम कितने दिन से पानी नहीं लगाया था खेत में। तो आज 15-20 दिन हो गए हैं, गेहूँ भी सूखने को आए हैं, तो पानी लगा देते हैं। ज़्यादा हवा तो नहीं चल रही इसलिए, तो ये देखो धूप धूप में पानी लगा रहे हैं। कपी कपी गए हैं, पछवा पछवा आ गया है, तो ये पीछे पीछे आ गया है, चुटकू डोरी लेके आया है, मुझे पता भी नहीं ये पीछे पीछे आया है। तो बचा बबी थक जाएंगे, थोड़ी थोड़ी पानी आया है। तो यहाँ पे हमारा पानी निकल रहा है। हाँ, इसमें वैसे भी रही तो अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ये इसको कल नहला दिया था, आज फिर आ गया है, फिर पाइप के नीचे रख लेंगे। क्यों आया भाई, जा। तो मैं अभी बीच में जाती हूँ, तो ये पीछे पीछे रहता है। एक वक्त वाड़ो पड़ी। तो ये है हमारे गेहूँ, ये रहे। अभी एक बार अभी पानी लगाएंगे, फिर से एक बार लगाएंगे। तो हवा आती है तो गेहूँ आड़े पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, इसलिए पानी नहीं लगाते। तो अभी सूख गया है तो पानी लगाना पड़ेगा। अभी दिन का लाइट है इसलिए आज लास्ट डे है, तो पानी लगा देते हैं, देखते हैं गिर जाएंगे तो थोड़े बहुत गिर जाएंगे। तो पानी लगाने का टाइम हो गया है इसलिए लगाना पड़ता है। तो अभी लास्ट तक पानी जाता नहीं है, दूसरी पाइप लगानी पड़ेगी, जहाँ तक जाता है वहाँ तक लगा देंगे। तो अभी मैं जाती हूँ, बीच में खड़ी हो जाती हूँ ताकि ज़्यादा पानी भर ना जाए क्यारी में। तो हाँ, एवं मुझे मुझे वहाँ के हाँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी इसमें पानी लगाते लगाते लाइट चला गया है अभी। तो अभी चलते हैं वापस घर, थोड़ा सा चाय चुई पी के आएंगे तब तक। तो अभी 2:30 तो बजने वाला है, तो अभी चलते हैं, लाइट आएगा तब तक चाय चुई पी के वापस आएंगे। तो अभी आज हवा कम चल रही है, तो हमने सोचा कि इसमें पानी लगा देते हैं, नहीं तो हवा ज्यादा, अभी कुछ दिनों से हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो गेहूँ पूरे लेट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो फिर नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा था कि आज ही हम इसमें पानी लगाएंगे। तो अभी 3-4 क्यारी हमने पानी लगाया और लाइट चला गया, तो अभी चलते हैं वापस घर। ए हटके है, तो ये घर नहीं जाना है, तो देखो कैसे नाटक कर रहा है पक्का। ओ भरे तो ये आलम। तो ये भी हमारे साथ साथ खेत में ही था, जीभ लटक गई है बेचारे की गर्मी से। उभरे 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 आलू थे, गोलियां मोलियां। तो अभी हम लोग वापस घर आ गए, तो अभी लाइट आएगा तब चलेंगे। तो ऐसे दिन का लाइट होने से ऐसे ही होता है, कहीं उन लोग मेंटेन करते हैं तो काटते रहते हैं लाइट, तो बार बार घर आना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। जो ही आवाज ऐसी गया अज्जू एक नहीं अज्जू हाँ। ओ,
तो अभी जैसे तैसे हम घर पहुंचे और लाइट आ गया। एवा हैं हाँ शुरू कर डेहन तरह। तो अभी हम घर पहुंचे और लाइट भी आ गया, तो अभी दोबारा वापस जाना पड़ेगा। तो छोटा खेतर है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो अभी उसको ख़त्म करके ही फिर चाय चुई वगैरह बाद में पीते हैं अभी। तो अभी चलेंगे वापस जैसे तैसे घर पहुंचे और लाइट भी आ गई। तो एम नो बांधने भी जमीन, तो अभी दोबारा से वापस खेत में आ गया मैं। ये देखो दोबारा से लाइट आ गया, मोटर शुरू कर दिया। तो ऐसे 5-10 मिनट के लिए लाइट काटते रहता है, तो उसमें क्या ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि जैसे जैसे घर पहुँचो और लाइट आ जाता है। तो अभी जमीन से चेक करवाया तो लाइट नहीं था, हम लोग घर पहुँचे तब तक लाइट आ गया। तो वापस हम लोग आ गए, तो फिर से इसमें पानी लगाना शुरू कर दिया है ये वाले गेहूँ में। और ये जो वाइट वाइट नीचे दिख रहा है ये गेहूँ पक चुका है अभी। ये अभी मेरे ख्याल से 10 या 10-12 दिन में इसको काटना भी पड़ेगा। वो सूखना स्टार्ट हो गया है, वो सबसे पहले हमने किया था, ये बाद में हमने किया था। तो अभी ये गेहूँ निकल चुका है, अभी सूखना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी इसमें एक पानी और लगाना पड़ेगा। अभी एक बार हम पानी दे रहे हैं और एक बार पानी इसको देना पड़ेगा, तब जाके ये पकेगा। तो इस बार गेहूँ की खेती काफ़ी तकरीबन अच्छी है। अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इसलिए हम लोग इसमें पानी नहीं लगा रहे थे, क्योंकि पानी लगाने से ये पूरा लेट जाता है इसलिए। तो ये देखो घर गई थी तो क्या लेके आई है, बहुत सारे पड़ीके लेके आई है। ये देखो दोनों में से आधा आधा निकाल दिया है इसने और अभी मेरे को दे रही है। जा रहे हैं माँ, तो इसको बीच में खड़ा किया है मैंने ताकि ज़्यादा पानी ना चला जाए। ज़्यादा भर जाएगा तो फिर हवा चल गई गलती से तो ये सारा गेहूँ ख़राब हो जाएगा, इसलिए आधे में पानी जाता है और बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो ये अपनी जगह पे पहुँच चुकी है अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने सोचा था कि आज हवा नहीं चल रही है तो खेत में पानी लगा देते हैं गेहूँ में। तो ऐसा करके आज हमने पानी लगाना स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तकरीबन हमारा खेत अभी कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा हमने पानी लगा दिया है, तो अभी हवा चलने लग गई है, तो वहाँ बीच में गेहूँ गिर भी गए हैं इतनी देर में, तो थोड़ा थोड़ा। तो अगर ज़्यादा हवा आने लग गई तो ये काफ़ी सारा नुकसान करेगा। ये देखो यहाँ बीच रास्ते में खड़ी है ये भी, तो ये भी देख रही है कि हवा चल रही है करके। तो अभी बीच बीच में एक झपटा सा आ जाता है हवा का, तो उधर एक साइड में वो उधर गिरा दिया है उस साइड में, बीच में थोड़ा सा गिर गया है अभी से। तो अगर ज़्यादा हवा चली तो गेहूँ ज़्यादा गिर जाएगा। अभी ये लास्ट क्यारी है, तो अभी इसमें तो पाइप लगा देता हूँ मैं। तो ये अभी पाइप फिट कर दिया, अभी लास्ट क्यारी में पानी जा रहा है। अभी दो क्यारी और उधर रह गई है, तो अभी यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो उसमें पानी पाइप घुमाना पड़ेगा पूरा, तब जाके उसमें होगा। तो अभी लास्ट दो क्यारी बची है, तो अच्छा रहेगा अगर हवा ज़्यादा ना आई तो, नहीं तो काफ़ी नुकसान होगा और कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारा ये खेत कंप्लीट हो चुका है, पूरे में हमने पानी लगा दिया है। अभी लास्ट क्यारी में पानी आ रहा है, रेखा भी ऊपर वापिस आ गई घर जाने के लिए। तो ये अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा सा बचा है, यहाँ पर आ जाएगा तो मोटर बंद कर देंगे और अभी चलते हैं वापस घर। अभी बहुत धूप तेज़ होने लग गई है धीरे धीरे, सर्दी कम लग रही है, धूप ज़्यादा लग रही है अभी। तो अभी देखते हैं, अभी वापस घर चलेंगे, 3 तो बजने वाला है। तो पूरा दोपहर हमने अभी पानी लगा दिया, भैया बंद करें। तो अभी थोड़ा आधे तक पानी आते ही मैं बंद करवा देता हूँ ताकि हमारे गेहूँ ना गिर जाए। वहाँ पर ऐसी हवा आई तो ऐसे गोल गोल करके चक्री बना दिया है, गेहूँ को गिरा दिया है। ऐसे दिखाई नहीं देगा लेकिन मुझे दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी ये दूसरा जो हमारा खेत था गेहूँ का, इसमें पानी लगाने के लिए आए और लाइट चला गया। अभी तो ऐसे शाम को लाइट चला जाता है, तो इसमें लगाना शुरू किया और लाइट चला गया। और ये देखो साथ में आई हुई है। तो अभी हमने जो सुबह में
तो दोपहर में हमने जो लगाया था पानी तो बेचारा गेहूँ पूरे गिर गए। तो मैं दिखाता हूँ, उस टाइम पे तो वो गिरता नहीं है, हवा चलती है, जब खेत में पानी लगाते हैं ना उस टाइम नहीं गिरता है, उसके बाद जब पानी ख़त्म हो जाता है, ज़मीन में पत जाता है, उसके बाद गिर जाता है। तो अभी उस टाइम काफ़ी हवा चल रही थी, उसके बाद तो ये देखो गेहूँ पूरा गिर गया है यहाँ पर। तो ये ऐसे हो जाता है, ये देखो थोड़ा थोड़ा ही हमने पानी लगाया था, फिर भी ये पूरा गिर गया गेहूँ, ऐसे करके ये गिर गया। अभी ये गेहूँ ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन ठीक भी उतना नहीं होगा। तो अभी उस साइड में तो हमने बहुत कम कम पानी लगाया था, भर के पानी दिया ही नहीं है, नहीं तो ये पूरा ऐसे ही गिर जाना था। तो ये अभी गेहूँ ऐसे लेट गया है ये पूरा ही। तो अभी जब इसको लास्ट पानी की ज़रूरत होती है उसी टाइम ये हवा बहुत ज़्यादा चलती है। अभी तो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो उसकी वजह से हमने पानी इसमें लगाया नहीं था, हवा ज़्यादा चल रही है कर के। तो आज हवा कम थी, उसी टाइम हमने पानी लगाना स्टार्ट किया और ये ख़त्म होने आया, तब तक हवा भी आ गई। तो थोड़े बहुत गिरा दिए हैं, बाकी तो तकरीबन सही है, तो कोई बात नहीं है। अभी बाकी तो बच गए हैं, बाकी उस साइड के गेहूँ हमारे पकने वाले हो चुके हैं, अभी अगले 10 दिन में काटेंगे इसको भी।